हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरपंच गणों ने देवासी व उपखंड अधिकारी के साथ बैठकर जल जीवन मिशन योजना के विभिन्न मुद्दों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नर्मदा डीआर प्रोजेक्ट के जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल योजना के कार्य जल्द शुरू होने जा रहे हैं। उन कार्यों हेतु विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को रानीवाड़ा विधानसभा के सरपंच गणों ने पूर्व उप मुख्य सचेतक प्रथम देवासी व रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र के साथ बैठकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जल जीवन मिशन योजना के विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न मांगे जल मिशन योजना को लेकर जो डीपीआर नक्शे विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं उसे उपलब्ध करवाया जाए। जल मिशन योजना के तहत अगर दोबारा कोई सर्वे किया जाए तो अधिकृत कमेटी और सरपंच गण, जिला परिषद सदस्य गण, पंचायत समिति सदस्य गण, जन प्रतिनिधि गण व प्रमुख जनों की मौजूदगी में किया जावे। जल मिशन योजना का संपूर्ण कार्य जिस कंपनी को मिला है उसी से संपूर्ण कार्य करवाया जाए व कार्य को अगर सबलेट किया जाता है तो पीएचटी मानकों के अनुसार किया जावे। साथ ही जल्द उपखंड अधिकारी द्वारा नर्मदा के अधिकारियों, सरपंच गण, पंचायत समिति सदस्य गण, जिला परिषद सदस्य गण, जन प्रतिनिधियों व प्रमुख जनों की बैठक बुलाई जाए ताकि जल जीवन मिशन योजना के सभी मुद्दों पर व उसके उपरांत ही कार्य शुरू किया जावे। इस दौरान सरनाऊ प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश ढाका, सूरजवाड़ा आजोदर डुंगरी, सरपंच कृष्ण कुमार, विकास कुमार सोलंकी, जबरा राम पुरोहित, सवदा राम चौधरी, सविसा राम कोली, सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम चौधरी, भीका राम सारण, सुरेश सियाक, जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार विश्रोही, सरपंच बबी बेन कोली, सरपंच वचनाराम मेघवाल, सरपंच हेमा राम, सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह जांगू, सरपंच प्रतिनिधि मफाराम राणा, सरपंच प्रतिनिधि होती राम, सरपंच प्रतिनिधि मोड़ाराम राणा, सरपंच प्रतिनिधि भाना राम, सरपंच कर्मी राम, सरपंच लसाराम पुरोहित सहित बड़ी संख्या में सरपंच गण, जिला परिषद सदस्य गण, पंचायत समिति सदस्य गण उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।